खोया खोया चांद खुला आसमान हिंदी सिनेमा के सदाबहार अभिनेता देवानंद पर एक से बढ़कर एक सदाबहार गाने पिक्चराइज हुए थे। जेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया। राज कपूर और दिलीप कुमार की तरह देवानंद भी उन अभिनेताओं में शामिल थे जो उन पर पिक्चराइज होने वाले गानों को काफी महत्व देते थे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। जब भी वो कोई फिल्म साइन करते थे तो उनकी शर्त होती थी कि उन पर कम से कम आधा दर्जन गाने तो पिक्चराइज हो ही। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उनके करियर के शुरुआती दिनों में उन पर पिक्चराइज होने वाले लगभग हर गाने मोहम्मद रफी के गाए होते थे और चाहते थे कि उनके फिल्म में उन पर रफी साहब के गाने जरूर पिक्चराइज हों। ऐसे तो न देखो के हमको नशा हो जा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके करियर की एक सुपरहिट फिल्म के निर्देशक ने उन पर कोई भी गाना पिक्चराइज किए जाने से मना कर दिया था और फिर तो देवानंद साहब ने अपने ऊपर गाना शूट नहीं किए जाने को लेकर जमीन आसमान एक कर दिया था और आखिर में उन पर मोहम्मद रफी का गाया एक गाना पिक्चराइज किया गया। ये वही फिल्म थी जिसके गानों ने लोकप्रियता का कीर्तिमान बना डाला था और आज भी वो सभी गाने खूब लोकप्रिय हैं। वो कौन सी फिल्म थी और देवानंद पर कोई भी गाना शूट किए जाने से क्यों इनकार किया गया था और फिर ऐसी क्या तरकीब निकाली गई कि उन पर एक गाना पिक्चराइज किया गया, इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के एवरग्रीन एक्टर माने जाने वाले देवानंद के करियर की सबसे सफल फिल्मों में एक फिल्म है सीआईडी। भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेहतरीन थ्रिलर फिल्मों में से एक फिल्म सीआईडी को रिलीज हुए 66 साल से अधिक हो चुके हैं। देव आनंद, शकीला, जॉनी वॉकर और केन सिंह स्टारर ये फिल्म गुरुदत्त के बेहतरीन गीतों की वजह से आज भी याद की जाती है। जब तक कहां है दीवाने, तब कुछ यहां है सनम। इस फिल्म से वहीदा रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया था। इस फिल्म को गुरुदत्त ने प्रोड्यूस किया था। बतौर प्रोड्यूसर ये उनकी दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म के जरिए गुरुदत्त ने अपने असिस्टेंट राज खोसला को बतौर डायरेक्टर ब्रेक दिया था। 1956 में रिलीज हुई ये फिल्म उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे। दर्शकों को सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि इसके गाने भी बेहद पसंद आए। आपको बता दें कि देवानंद और गुरुदत्त संघर्ष के दिनों से ही दोस्त थे। देवानंद ने वादा किया था कि जब वो कोई फिल्म बनाएंगे तो उसे गुरुदत्त को डायरेक्ट करने का मौका देंगे। इसी तरह से गुरुदत्त ने भी वादा किया कि वो जब भी कोई फिल्म बनाएंगे तो देवानंद को ही हीरो के तौर पर कास्ट करेंगे। सीआईडी का निर्माण हालांकि गुरुदत्त ने किया था लेकिन फिल्म को गुरुदत्त ने डायरेक्ट नहीं किया था। फिर भी उन्होंने अपना वादा पूरा किया और देवानंद को ही इस फिल्म का हीरो बनाया। सीआईडी की कहानी मशहूर एक्टर और फिल्म मेकर टीनू आनंद के पिता इंदर राजा आनंद ने लिखी थी। ये अपने वक्त की सुपरहिट फिल्म थी। लाजवाब स्टार कास्ट, रोचक रहस्य कथा, चुस्त पटकथा, क्लाइमेक्स की तरफ तीर सी भागती गति, सटीक और कसा हुआ चरित्र चित्रण, दुरुस्त अभिनय और अत्यंत मधुर संगीत का ऐसा सम्मिश्रण था कि ये फिल्म अनिवार्य तौर पर दर्शनीय बन गई थी। इस फिल्म के टिकट पाने के लिए टिकट की खिड़की पर लंबी लंबी लाइनें लगती थीं और आधे लोगों को फिल्म देखे बिना ही निराश लौटना पड़ता था। चलते हो झूम के बदले हैं चाल भी, नैनों में रंग हैं बिखरे हैं। हालांकि फिल्म ने
सफलता के झंडे गाड़े और फिल्म की सफलता में ओपी नैयर के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान था। इस फिल्म के गीतों की सफलता के बाद नैयर साहब के नाम की धूम मच गई। उनका संगीत फिल्मों की सफलता की गारंटी बन गया। यहाँ तक कि सौंदर्य की मल्लिका मधुबाला भी ओपी नैयर के संगीत की दीवानी हो गईं और अपनी फिल्मों में नैयर साहब के संगीत के लिए जोर देने लगीं। सीआईडी के वैसे तो सारे के सारे गीत हिट हुए, लेकिन लेके पहला पहला प्यार ने तो सफलता की गाथा ही लिख दी। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया। लेकिन फिल्म के निर्देशक ने इस संगीत में फिल्म में देवानंद पर एक भी गाना शूट नहीं करने का निर्णय लिया था। जब देवानंद साहब को पता चला कि फिल्म में उन पर कोई गाना नहीं फिल्माया जाएगा तो वो परेशान हो गए। उन्होंने अपने दोस्त गुरुदत्त से लाख मिन्नतें की, लेकिन निर्देशक राज खोसला ने कहा कि फिल्म का हीरो सीआईडी इंस्पेक्टर है और सीआईडी इंस्पेक्टर को गाना गाते हुए देखना बिल्कुल ही बेवकूफाना लगेगा। लेकिन देव साहब का तर्क था कि कॉलेज की लड़कियां मुझे न गाता हुआ देखकर नाराज हो जाएंगी और आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। उन्होंने डायरेक्टर राज खोसला को खूब मनाया और समझाया, लेकिन राज खोसला नहीं माने। हालांकि गुरुदत्त को भी लग रहा था कि राज खोसला की बात सही है, लेकिन वो देवानंद को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ वो राज खोसला पर अपना निर्णय थोपना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने निर्देशन की कमान राज खोसला को दे दी थी। ऐसे में उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और देवानंद के लिए एक गाना बनाया गया। ये गाना था आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, जिसे मोहम्मद रफी और गीता दत्त से रिकॉर्ड कराया गया। लेकिन ये तय हुआ कि देव साहब आंखों ही आंखों में गाने के मुखड़े की कुछ लाइनें गाएंगे। देवानंद ने अपने दोस्त गुरुदत्त की बात मान ली। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा। पर्दे पर इस गाने को देव आनंद और शकीला पर पिक्चराइज किया गया। फिल्म म्यूजिकली हिट साबित हुई। ये है बम्बई मेरी जान, लेके पहला पहला प्यार, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये तमाम गीत सुपरहिट साबित हुए। इसके गानों को संगीतकार ओपी नैयर ने संगीत से सवारा था और गाने मजरूह सुल्तानपुरी और जानिसार अख्तर ने लिखे थे। लेकिन इस फिल्म के एक गाने को सेंसर बोर्ड ने फिल्म से हटवा दिया था। ये गाना था जाता कहाँ है दीवाने। सेंसर बोर्ड का कहना था कि ये गाना वल्गर है। सबसे लोकप्रिय गीत लेके पहला पहला प्यार के दो वर्जन हैं। हैप्पी वर्जन को तो रफी साहब ने शमशाद बेगम के साथ गाया है, जबकि सैड वर्जन में रफी साहब और शमशाद बेगम के अलावा आशा भोसले की भी आवाज है। इस फिल्म के केवल इस गीत में आशा भोसले की आवाज का इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म में शमशाद बेगम के गाए दो एकल गीत भी काफी लोकप्रिय हुए थे। ये गीत हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना और बूझ मेरा क्या नाम रे, जबकि गीता दत्त ने रफी साहब के साथ दो युगल गीत गाए। एक तो वही गीत है जिसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। दूसरा गाना है ये है बॉम्बे मेरी जान। ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ए दिल है मुश्किल। तो दोस्तों, आपको सीआईडी का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? आप इस फिल्म के गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। अगले वीडियो में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।